जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कमर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज़। आज हम आपके सामने कोई ज्वलंत मुद्दा या फिर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाने वाले हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज़ से संबंधित हो। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने आए हैं जो हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप ये जानते होंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार वचनबद्ध है, सरकारी ज़मीनें जहाँ कहीं भी जितनी भी ग्राम सभाएं हैं उसमें जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं, जैसे घूर, गड्ढा, जलकर, तालाब, क्रीड़ा स्थल, खलिहान, ये सारी संपत्तियां जो हैं ये गवर्नमेंट ने सिर्फ इसलिए प्रोवाइड कर रखी थी, इसलिए दे रखी थी कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर ग्राम सभा के लोग समय समय पे उसका इस्तेमाल कर सकें। और देखा जाए तो आज के करीब 25 साल पहले या 20-30 साल पहले हर एक ग्राम सभा में ऐसी बहुत सारी जगह हुआ करती थी जो सामूहिक रूप से इस्तेमाल हुआ करती थी, जैसे कि किसी की बारात आ जाए या फिर कुछ ऐसे काम, क्रीड़ा स्थल के भी काम हुआ करते थे, छोटे छोटे बच्चे उसमें खेला करते थे, बहुत सारे ऐसे स्थान हुआ करते थे। जैसे आप लोग भी ये जानते होंगे कि हमारे ही बचपन के टाइम पर हर एक ग्राम सभा में बहुत सारी जगह हुआ करती थी, खेल के मैदान हुआ करते थे, वहाँ छोटे छोटे बच्चे या फिर बड़े लोग भी आके खेला करते थे। लेकिन आज अगर देखा जाए, ये दो दशक के बाद जब इंसान के अंदर लालच आई, लालच इसलिए आई क्योंकि पैसों की वैल्यू क्रिएट हुई और उसके बाद अब इतनी लालच आ गई है कि आप कोई भी ग्राम सभा उठा के देख लीजिए, अगर उस ग्राम सभा में आप जाएँ और देखें तो कहीं आपको बहुत रेयर ऐसी जगह मिलेगी, बहुत ऐसी ग्राम सभाएं बहुत कम ही मिलेंगी जिसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब अगर हम बात करें ज़िला बलरामपुर की, जनपद बलरामपुर में लगभग 826 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें न जाने कितने गांव होंगे, 3000 से भी ज़्यादा गांव होंगे। आप हर एक गाँव को विज़िट कीजिए और देखिए कि क्या कोई ऐसा स्थल बचा हुआ है। आज लोगों ने तालाब तक को नहीं छोड़ा है, खलिहान तक को नहीं छोड़ा है। अब अगर किसी भी गांव में कोई शादी होती है तो बारात को टिकाने के लिए कहीं बाहर ही इंतज़ाम करना पड़ता है। सोचने वाली बात ये है, हमारा मुद्दा ये है कि आखिर ये जो सरकारी संपत्तियां थीं, ये जो गांव वालों के लिए दे रखा था, उसको कैसे कब्ज़ा कर लिया गया और किसने करवाया। इसमें बहुत सारे लोगों की संलिप्तियाँ आती होंगी, जैसे पूर्व प्रधान या फिर मौजूदा प्रधान, क्या आज तक इन लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। प्रधान को छोड़िए, प्रधान को तो उस ग्राम सभा के लोग चुनते हैं, लेकिन प्रधान के साथ जो सचिव होता है उसको कौन चुनता है, उसको खुद सरकार चुनती है, जॉब देती है, सैलरी देती है। उस सैलरी का फ़ायदा क्या होता है? कोई भी ग्राम सचिव आज तक इस चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं दिया कि कितनी भी जितनी भी ग्राम सभाएं हैं उन ग्राम सभाओं की ये सारी संपत्तियां किसके कब्जे में है, किसी ने घर बना रखा है, किसी ने कुछ बना रखा है, उसको कौन ध्यान देगा, क्यों कब्ज़ा कर रखा है लोगों ने, इसके ऊपर कौन अंकुश लगाएगा, कौन आवाज़ उठाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे साथ साथ जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं उन सबको इस बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है और इस पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जिसका पहल इंडिया टाइम्स ने कर दिया है। इंडिया टाइम्स की टीम ने ये वचन लिया है कि एटलीस्ट रेहरा ब्लॉक से शुरुआत करेगी, रेहरा और गेड़ास बुजुर्ग ब्लॉक से। हर एक ग्राम सभा को हफ्ते में एटलीस्ट एक बार ही एक ग्राम सभा में इस तरह की खबरें अब आप तक पहुंचाएंगे कि किस ग्राम सभा में कितने घूर गड्ढे थे, कितने क्रीड़ा स्थल थे, कितना खलिहान था, ये सारी जानकारी अब आप तक हम पहुँचाएँगे। और इससे हम सरकार से सवाल भी करेंगे, जो DM, SDM या फिर जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उनसे सवाल किया जाएगा कि आखिर इस पे अंकुश कब लगेगा, और जो बने हुए हैं, जितने भी मकान बने हैं, जो कुछ भी जिनके भी कब्जे में हैं, दबंग टाइप के हैं या जैसे भी हैं, लेन देन करके जिस तरह से भी किया गया, घाँच पाँच करके अगर किया गया है, तो उसका भी खुलासा हो। इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। अगर आपकी ग्राम सभाओं में इस तरह का कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।